का जो शासन काल था उसमें विग्रहराज चतुर्थ ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा लगभग सरस्वती कंठाभरण पाठशाला बनाई थी, जिसने कुछ जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। और यहाँ पर अभी भी पंजाब पीर शाह का उर्द लगता है, यानी कि मेला लगता है 2.5 दिन का लगता है इसकी दीवारों पर, जो कि वो पुस्तक थी। हालांकि बाद में मस्जिद बना दी गई थी, लेकिन उसकी दीवारों पर अभी भी दो नाटक लिखे हुए हैं, एक हरकेली और एक ललित विग्रहराज। दोस्तों, इस पाठशाला के सरस्वती मंदिर से विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, जिसे वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम में रखा हुआ है। इसमें चौहानों को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज का बताया गया है। दोस्तों, जो अभिलेख मिला है, जो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला में जो अभिलेख लगाया था, विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, उस अभिलेख में चौहानों को क्या कहा गया है, भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज कहा गया है। इसी आधार पर चौहानों को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम, बिशलपुर कस्बा भी बसाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। साथ ही यहाँ पर झील और गोकर्णेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया था। विग्रहराज चतुर्थ ने हरकेली नामक नाटक लिखा था, जो प्राचीन भारत में लेखक बारहवीं की पुस्तक वीरसता अर्जुनियम पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, ये वही नाटक है जो बार हमारी 12th क्लास में लगभग के आता है, कहीं पर नया तर कोर्स छूट जाता है, बल्कि हर पुस्तक में आता है, जो कि विग्रहराज चतुर्थ का लिखा हुआ है। दोस्तों, बात कर लेते हैं दरबारी विद्वान कौन कौन थे। तो सोमदेव था, जिसने ललित विग्रहराज लिखा, और इस नाटक में विग्रहराज तथा इंद्रपुरी की राजकुमारी की प्रेम कहानी शामिल है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।